आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक अल्टीमेट लेवल की जानकारी दूंगा, उस जानकारी को आप इस मूवी से अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप लोगों को पता है कि दीपिका पादुकोण को ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने बुलाया था उनसे पूछताछ करने की, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे जो ड्रग्स रिलेटेड जो बातें थी वो उनके व्हाट्सएप पे मिली थी, तो वो जानकारी पता करने के लिए भी वो चीजें क्या कर रही थी क्या नहीं, तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो बस मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि वो ड्रग जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बड, एक होता है वीड। अब ये जो बड होता है ना वो बहुत महंगा नशा होता है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को कीमत बताऊं तो कीमत इसकी 5000 से लेकर 7000 प्रति ग्राम है। अगर किलो में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 50 लाख से 70 लाख रुपए पर किलो ये बिकता है। अब ये बड़ क्या होता है मैं बताता हूं। देखो एक पौधा होता है, इसे समझो, उस पौधे का समझ लो क्रीम क्रीम यानी मलाई मलाई निकाल लो, उससे एक महंगा नशा निकलता है, उसको कहते हैं बड़। अब क्यों बता रहा हूं यार, थोड़ा सा वेट करो, सबर करो, मैं सब चीजें क्लियर करता हूं। अब जो बड़ बन जाता है इसके बाद जो कचरा बचता है उसको कहते हैं वीड, यानी एक तरीके से इसको कहा जाता है सस्ता नशा। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। देखो आपने बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज में सुना होगा यार सस्ता नशा करके बैठा है, सस्ता नशा करके बैठा। आप लोगों को पता ही नहीं होता था सस्ता नशा क्या होता है, तो सस्ता नशा इस वीड को कहते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, ये इसलिए क्योंकि यार जो इसके मेकर्स हैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं इन्होंने कर रखा है सस्ता नशा। अब मैं चाहता था कि आप लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि अरे सस्ता नशा क्या होता है। अब जब आप लोगों को पता चल गया है सस्ता नशा क्या होता है तो आप मेरी भावनाओं को और इस मूवी को अच्छे से समझ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं अनकही मूवी के बारे में। यार कसम से इस मूवी का नाम लेने में भी मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था, इसको छोड़ो यार। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुश्री मेहता। तालियां बजाओ यार इनके लिए। अब अगर इसमें मैं कास्ट की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 6 कास्ट हैं, उनके मैंने नाम लिखे हैं, वो आप लोगों को पढ़ के मैं बता देता हूं। हितेन तेजवानी, आयुष्मान सक्सेना, अश्विन मुशरान, रवि खेमू, अनुप्रिया गोनेखा, सहबान, आजिम, टोटल ये 6 इसके अंदर कास्ट हैं। और इसके अलावा मैं तो ये तो कहूंगा नहीं, और बाकी अन्य कलाकार है, इसलिए मैंने सोचा यार जब 6 हैं तो इनके टोटल नाम ही ले देता हूं आप लोगों के सामने। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। देखो यार कहानी कहूं या कचरा कहूं बस कुछ समझ नहीं आ रहा, बट खैर छोड़ो, तो बस तुम सुनो। ये मूवी देखकर भले ही तुम्हें रोना हो लेकिन ये रिव्यू देखकर यार तुम्हें मजा आने वाला है। तो दिल्ली में 6 लड़कियों की रहस्यमय रूप से हत्या हो जाती है, उसके लिए पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन 6 लोगों को लाकर एक कमरे में बंद कर देती है, और दिल्ली पुलिस इन लोगों को सिर्फ अंशंट शंक के आधार पर पकड़ लेती है। और जब ये 6 के 6 जब एक कमरे में होते हैं तब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आता है और इनको कहता है सुनो बे तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों में तुम में से खुद डिसाइड करके बता दो कि तुम में से कातिल कौन है वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। यार तुम लॉजिक वाली बात कर रहे हो, कुछ मतलब कोई सेंस है इस चीज में? मैं तुम लोगों को इसका मतलब अंदर की बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था ना ये पैसे दे के लगा हुआ था पुलिस में, इसको मतलब इसके बस की तो थी नहीं कुछ भी कुछ सोल्व करने की, तो इन्होंने कहा कि यार देखो तुम ही 6 के 6 को डिसाइड कर लो यार, क्यों हमारी नौकरी जाएगी इससे। तो ये लोग इसकी बात समझ आते हैं और 6 के 6 लोग जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कि अपने में से कातिल ढूंढने में मतलब। और फिर इसके बाद जो मजाक जो कॉमेडी इसके अंदर शुरू होती है ना, इतनी कमाल की कॉमेडी की है इन लोगों ने, मतलब यार इतनी कमाल की मूवी है, आप लोग बस इस मूवी को एक बार में तो देख ही नहीं पाओगे, मतलब आपको ब्रेक चाहिएगा, आप मतलब पागल हो जाओगे यार इसको हजम करने के लिए, इसकी कहानी हजम करने के लिए, जो इन्होंने कॉमेडी की है उसको हजम करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। मात्र 41 मिनट की वीडियो, मतलब वीडियो तो क्या कहूँ, मूवी, मात्र 41 मिनट की मूवी को देखने के लिए आप लोगों को 2 दिन लग जाएंगे। यार इतनी अद्भुत कलाकारी तो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है। और ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग करके बैठे होते हैं वो सस्ता नशा, मैंने आप लोगों को बताया ना कौन सा सस्ता नशा होता है। एक तो यार इसकी वाहियात कहानी थी, उसके साथ इन्होंने अपनी वाहियात सोच भी इसके अंदर घुसेड़ दी। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये लोग ऐसा क्या खाते होंगे कि इतना ज्यादा हक देते हैं ये लोग। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, बट इन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रहती। ये लोग हैं बस हगे जा रहे हैं, पूरी मतलब गंद खिंडा रखा है इन्होंने। बट एक चीज जो पुलिस इस चीज से सीख सकती है वो ये सीख सकती है कि भाई साहब आप लोगों को अगर कोई भी मतलब कतिल का पता करना है तो आप लोग कुछ लोगों को पकड़िए और उनके कनपट्टी पर बंदूक रखिए, कहिए कि भाई आप लोगों के पास 12 घंटे और इन 12 घंटों में अगर तुम लोगों ने किसी को भी अपने में से कातिल को नहीं ढूंढा तो तुम लोगों के मतलब जितने भी लोग पकड़े गए को गोली मार दी। मैं कह रहा हूं भाई साहब पूरे देश में से क्राइम रेट मतलब हाई हो जाएगा, मतलब क्राइम रेट मतलब बढ़ नहीं जाएगा, क्राइम रेट को सोल्व करना एकदम हाई हो जाएगा, सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, देश अव्वल पे पहुंच जाएगा, देश में तरक्की हो जाएगी, कोई भी कहीं पर भी कोई क्राइम नहीं होगा यार अगर ये पैंतरा अपना ले दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस इसको अपना ले दो। मैं सच कहूँ यार इस चीज के साथ मैं इस मूवी के साथ पूरे दिन खेल सकता हूँ यार, ऐसी ऐसी वाहियात मूवीज आती है ना
कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, मतलब मैं क्यों देखी मैंने मूवी, मैं अपने आप पे पछता रहा हूँ यार, मैंने 41 मिनट बर्बाद कर दिए इस मूवी के ऊपर। यार स्टार की बात करूँ ना, 0 out of 10 stars, अब किसी ने, मैं उम्मीद तो करता नहीं हूँ यार किसी ने मूवी देखी होगी, अगर बट किसी ने, किसी किस्मत खराब थी उसने ये मूवी देख लियो, तो यार अपने दुख मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख कर अपना दुख वगैरह जो भी आप लोगों को बताना हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं भी आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर किसी ने ये सोचा कि मैं ये मूवी देखूं या नहीं, मतलब जिसने नहीं देखी यार वो ये सोच रहा होगी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो भाई साहब ये मूवी ना, ये वीडियो ना दोबारा से देख लो ताकि चीज़ क्लियर हो जाए कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, थोड़ा सा ना दिमाग पे ना जोर डालने की कोशिश करना है कि मैंने क्या बोला इसके अंदर। खैर बस आज के लिए इतना ही था यार इस वीडियो में, बस मतलब बोला ही नहीं जा रहा है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। Security da Suneon.